नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़ पंजाब का। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें उस विच दो क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट टेंपल ने, मतलब कि जेडे भी अपने मशहूर इंडिया विच मंदिर ने उन्होंने बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो विच सारे ही जेडे भी एग्जाम विच बन सकते हैं क्वेश्चन सारे कवर करते, जेडे भी टेंपल ने आपां सारे पासे जाया है तो सारे इस वीडियो विच इस पीडीएफ फाइल विच इंक्लूड कर लेने, तां करके इस वीडियो में ध्यान नाल देख लो एंड राइट डाउन जरूर कर लो। हुण आपां ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तां प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल सबसक्राइब कर लियो एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगे तो वीडियो में लाइक भी जरूर कर लियो। तो आपां क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, सब तो पहला क्वेश्चन एक की कहिंदा, वेंकटेश्वर मंदिर डैस विच स्थित है। एग्जाम विच इस तरह के क्वेश्चन तुहाडे तो थोड़ा जिहा घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं दोस्तों, जिवें कि पूछ लिया जाएगा तिरुपति विच किहड़ा मंदिर स्थित है, तो आपको याद रखना पवेगा वेंकटेश्वर मंदिर। जे इस क्वेश्चन विच की पूछा गया वेंकटेश्वर मंदिर कितने स्थित है यानी डैस विच स्थित है, तो याद रखो तिरुपति आंध्र प्रदेश विच वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम विच काफ़ी बार ये पूछ लिया गया है। एंड दोस्तों, जो हले तक तुसी साडा टैलीग्राम चैनल ते वट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन विच मैं लिंक दे दिता, उत्थे जाके वट्सएप ग्रुप ते टैलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लो। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, श्री ब्रह्म रंभा मल्लिका अर्जुन मंदिर कितने स्थित है। दोस्तों श्री शैलम आंध्र प्रदेश में ही मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, कामख्या मंदिर यही काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, पिछली बार सब इंस्पैक्टर के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया सी, कामख्या मंदिर कितने स्थित है। दोस्तों गुवाहाटी में है, असाम विच, असाम जी अपना स्टेट है उस विच एक शहर है गुवाहाटी, गुवाहाटी विच की है कामख्या मंदिर है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, बोधगया मंदिर कितने स्थित है, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बोधगया इस नाम विच ही आ जाता है, गया, गया कितने है बिहार विच है, गया एक शहर का नाम है तो बिहार अपनी स्टेट का नाम है, तो बोधगया मंदिर गया विच स्थित है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर पांच की गल करिए, अक्षरधाम मंदिर कितने स्थित है, तो न्यू दिल्ली विच है। अक्षरधाम मंदिर मैं भी देखा दोस्तों, काफ़ी वधिया घूमने वाली प्लेस है, काफ़ी एरिया घेरिया हुआ है, तो करके याद रखियो नई दिल्ली विच अक्षरधाम मंदिर स्थित है। इस बाद क्वेश्चन नंबर छे की गल करिए, द्वारकाधीश यानी जगत मंदिर भी इसमें कह देंगे ने, यह कितने स्थित है, यह द्वारका विच ही है। द्वारका कितने दोस्तों, गुजरात, गुजरात स्टेट के द्वारका शहर में द्वारकाधीश या जगत मंदिर स्थित है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर सत्त की गल करिए, सोमनाथ मंदिर कितने स्थित है, यह गुजरात विच है याद रखियो। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर अठ की गल करिए, कालिका माता मंदिर कितने स्थित है, यह पावागढ़ गुजरात विच है कालिका माता मंदिर। क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, कमल मंदिर यानी जिसनों आप लोटस टैंपल के नाम भी जानते हैं, यह कितने स्थित है, यह न्यू दिल्ली विच स्थित है। क्वेश्चन नंबर दस की गल करिए, पाली टाणा मंदिर कितने स्थित है, ये भावन नगर विच है, भावनगर विच है, भावनगर कितने है गुजरात विच, गुजरात स्टेट के भावनगर शहर विच पाली टाणा मंदिर है। एंड दोस्तों कोई भी टॉपिक रिलेटेड तुम्हें तो वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके मैं दस दया करो, अगले ही दिन तुम्हें तो उस रिगार्डिंग जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आल क्लीयर करके एक वीडियो प्रोवाइड करवा दया करा, ठीक है, कमेंट करा करो जिहड़े भी टॉपिक ते वीडियो चाहिए है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, अमरनाथ मंदिर कितने स्थित है, ये सबनों ही पता होगा जम्मू कश्मीर विच है अमरनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, वैष्णो देवी मंदिर कितने स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर कटड़ा नामक शहर है तो उत्थे वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, वीरूपक्षा मंदिर कितने स्थित है, तो कर्नाटक विच हम्पी नामक शहर है उत्थे वीरूपक्षा नामक मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, हिलोस्लेश्वर मंदिर कितने स्थित है, हिलीवीडु कर्नाटका विच यह स्थित है। मतलब तुसी ज़्यादातर शहर ना याद रखियो तो स्टेट याद रखियो, मोस्टली स्टेट बारे पूछा जाता है किहड़ी स्टेट विच या किहड़े राज्य विच है यह मंदिर। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, श्री मुकंबिका मंदिर कितने स्थित है, यह कर्नाटका है, कर्नाटका का शहर किहड़ा, कोल्लूर नामक शहर है जिथे श्री मुकंबिका मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, मुरुदेश्वर मंदिर कितने स्थित है, यह भटकल तालुक विच है तो यह कर्नाटका अपने राज्य विच स्थित है, जिहड़ा मुरुदेश्वर मंदिर।
ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਿੰਗੇਰੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਚਿਕਮਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗੇਰੀ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਯੂਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਮਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਬੇਲਾਗੋਲਾ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਦਮਨਾ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਵਿੰਦਰਮਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਦਾ ਕੁਮਨਾਥਨ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਯਾਨੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਕਲੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਯਾਨੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਖੰਡਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੰਡਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਖਜੁਰਾਹੋ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸੰਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸ਼ਿਰੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸ਼ਿਰੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਮਕੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਸਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਮਕੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੀਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ? ਪੁਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਿੰਗਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਲਿੰਗਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਨਰਾਕ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਨਰਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਕੋਨਰਾਕ ਮੰਦਿਰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਯਾਨੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਣਕਪੁਰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਕਪੁਰੀ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਲਵਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਵਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦੇਰ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਬ੍ਰਿਦੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੰਜਾਵੂਰ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿਰੂਚੰਦੇਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए, रामन नाथन स्वामी मंदिर कितने स्थित है? यह तमिलनाडु विच है ते रामेश्वर नामक शहर के अंदर है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, कामाक्षी अम्मा मंदिर कितने स्थित है? यह भी काफ़ी बार एग्जाम विच आ चुका है क्वेश्चन, तो याद रखो तमिलनाडु दे कांची नामक शहर के अंदर कामाक्षी अम्मा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए, शौर्य मंदिर कितने स्थित है? यह तमिलनाडु के अंदर महाबलीपुरम नामक शहर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों हाले तक जे तुसी मैनू इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मतलब जे किसी भी तरह का सवाल है सब तो पहले इंस्टाग्राम पे तुहानू रिप्लाई मिलेगा। इंस्टाग्राम की आईडी यह है मेरी, इस ते जाके मैनू फॉलो करके जो भी तुहाडा सवाल है उत्थे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 की गल करिए, चिलकूर बालाजी मंदिर कितने स्थित है? यह हैदराबाद विच है, चिलकोर नामक विलेज विच यह मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए, श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर कितने स्थित है? यह तेलंगाना विच है ते भद्रचलम नामक शहर विच यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए, गणना सरस्वती मंदिर, यह भी काफ़ी बार एग्जाम विच यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखो तेलंगाना विच तेलंगाना दे शहर बासर विच गणना सरस्वती मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 की गल करिए, हजार थम मंदिर कितने स्थित है? यह तेलंगाना दे हनमकोंडा विच है। इस तो बाद आप क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, बद्रीनाथ मंदिर कितने स्थित है? उत्तराखंड विच है दोस्तों, बद्रीनाथ शहर के अंदर ही जिहड़ा बद्रीनाथ टेंपल स्थित है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, केदारनाथ मंदिर कितने स्थित है? यह उत्तराखंड विच है ते केदारनाथ विच भी, मतलब केदारनाथ नामक शहर के अंदर ही है। ते मेरी विश है, ख्वाहिश है एक बार केदारनाथ जाके आवां, क्योंकि एक्चुअली मैं एक मूवी देखी सी सुशांत सिंह राजपूत की, केदारनाथ है, जिस विच काफ़ी अच्छा व्यू दिखाया गया केदारनाथ का। उस तो बाद थोड़ा जहा कीड़ा जहा उठ गया सी, है ना, उठ ही जाता कि हाँ एक बार जाके आइए घूम के आइए, बट इन फ्यूचर जरूर जाके आऊँगा इतने, तो ब्लॉग भी जरूर बना के ले आऊँगा ताकि तुम भी इंजॉय कर सको मेरे नाल। क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर कितने स्थित है? उत्तराखंड विच है। उत्तराखंड के किस शहर विच है? वाराणसी शहर विच है। कि मंदिर है? काशी विश्वनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, भारत माता मंदिर कितने है? यह उत्तराखंड के वाराणसी विच ही भारत माता मंदिर। तो दोस्तों यह सारे 50 टेंपल्स ने, इन्हां विचों एक भी जे एग्जाम मतलब कि कोई भी एग्जाम विच आउंदा तां इस वीडियो तो बाहर तुहानू नहीं मिलेगा। दोस्तों हम जल्दी नाल कमेंट करके दस दो भी अगले किस टॉपिक पे तुहानू वीडियो चाहिए है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुहानू प्रोवाइड हो जाएंगे।